सो गाइस फाइनली ये ऑटो फ्रीज क्या होते हैं, फ्रीज क्या होते हैं और फ्लोट क्या होते हैं। ऑटो फ्रीज मतलब अगर आपका पहला ऑप्शन कैप राउंड के ऑप्शन फॉर्म में अगर आपका पहला ही ऑप्शन लॉक हो जाता है तो आपको ऑटो फ्रीज हो जाता है। आपको किसी भी हालत में नेक्स्ट 3 दिन में वो कॉलेज में जाके फिजिकली आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, कॉलेज की फीस पे करनी होती है और वहाँ पे एडमिशन कन्फर्म करना होता है। ये होता है ऑटो फ्रीज में। सेकेंड फ्रीज, अगर आपने फ्रीज दबा दिया मतलब आपको वो कॉलेज चाहिए, आप आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आपको जो कॉलेज मिला है आप सेटिस्फाइड हो और आपको वही चाहिए, तुरंत आप वही लेना चाहते हो, तो आपने फ्रीज दबाना है। और फ्रीज में भी आपको वही सेम प्रोसेस नेक्स्ट 3 डेज में कॉलेज में विजिट करना है, वहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, FC वेरीफाइड कॉपी सबमिट करनी है, उसके बाद आप कॉलेज की फी पेमेंट करनी है और वहाँ पे भी आपको एडमिशन कन्फर्म करना है। अगर आपने फ्रीज दबा दिया और ये सब नहीं किया तो फिर आप कैप राउंड से सीधा बाहर हो जाओगे, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा कोई भी, ये बात याद रखना। अभी थर्ड ऑप्शन बेटरमेंट, जो कि सबको करना चाहिए, क्यों? क्योंकि आगे 2 राउंड बाकी है गाइज, अभी तो ये राउंड 1 है, राउंड 2 बाकी है, राउंड 3 बाकी है। इतना याद रखो आपके MST CET राउंड के साथ जोसा की काउंसलिंग भी चल रही है, बहुत सारे बच्चे जोसा में निकल जाएंगे, जोसा से NIT IIITs में एडमिशन ले लेंगे तो वो सीट्स वैकेंट होने ही वाली है, तो बहुत सारे चांसेस है कि आपके कॉलेज भी अपग्रेड हो जाए, ब्रांच भी अपग्रेड हो जाए, तो चांस है तो फिर छोड़ना क्यों है। इसीलिए सबको बेटरमेंट में ही जाना है और बेटरमेंट का ऑप्शन ही क्लिक करना। बेटरमेंट मतलब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, शॉर्ट रहने ही वाला है, बट अगर आपको उसके ऊपर कोई अच्छा कॉलेज मिला तो आप उसको प्रेफरेंस देने वाले हो, ये होता है शॉर्ट बेटरमेंट का मतलब। और बेटरमेंट में ही जाओ क्योंकि जो मिला है वो तो रहेगा ही ना, हाथ से थोड़ी जाने वाला है, और अगर इससे इंप्रूव्ड कॉलेज मिल रहा है, अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो फिर छोड़ना क्यों है। सो गाइस यही था शॉर्ट वीडियो, अगर आपको मालूम पड़ गया फ्रीज क्या होता है, ऑटो फ्रीज क्या होता है, बेटरमेंट क्या होता है, तो फिर गाइस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और चैनल पे आए हो तो एक बार चैनल विजिट करके देखो, इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है रिगार्डिंग MST CET, और एक बार चैनल का शॉर्ट सेक्शन जरूर जाके देखना। सो गाइस यही था एक छोटा वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आया तो गाइस एक लाइक तो करना बनता है और चैनल पे सब्सक्राइब करके ही जाओ।